दोस्तों, हमारी पृथ्वी बहुत सारी प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है, और धरती के अंदर जब हम नीचे देखते हैं उसकी आंतरिक संरचना को, तो इन प्लेटों में मूवमेंट होते रहता है, और इसी मूवमेंट के चलते चलते एनर्जी रिलीज होती है, इसी के चलते चलते पृथ्वी में कंपन होता है, जिसको हम भूकंप बोलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत, और आज हम चर्चा करने वाले हैं भूकंप के बारे में। साथ ही साथ एक और एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। दो एडिटोरियल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पहले नंबर का जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं, वो ताइवान में आए 1999 के भूकंप से। इसके बाद उसने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जिसके चलते चलते वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स कर सके, साथ ही साथ वो डिजास्टर को कम कर सके, ऐसी उसने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पहले भूकंप आखिर आते क्यों हैं, भूकंप कैसे करके उत्पन्न होते हैं, इसके बाद ताइवान ने कौन कौन से कार्य किए हैं। ताइवान में अभी हाल फिलहाल में 2024 में एक डिजास्टर आया था, भूकंप आया था, और कितने कम लोगों की जाने गई हैं, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं। इसके बाद भारत क्या कदम उठा सकता है, ताइवान से हमें सीखने की जरूरत है, और भारत क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर रहा है भूकंप को कम करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए। पिछले 20 साल में किस किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, उसका भी डेटा एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल हमारा रहेगा डिजास्टर, पार्टिकुलरली अर्थक्वेक से। इसके बाद सेकंड वाला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं, ये इलेक्शन में चुनावी कंपनी सॉरी चुनावी प्रतिनिधियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने इलेक्शन वाले मैनिफेस्टो जारी करती हैं, इसमें क्या कभी आपने देखा है कि विकलांगों के लिए हम ये स्कीम लेकर के आएंगे, विकलांगों को हम ये अधिकार दिलाएंगे, उनके लिए संवैधानिक कुछ प्रावधान करेंगे, ऐसे कभी घोषणा हमने देखा ही नहीं है। लेकिन इस बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्टिकुलरली यदि हम साउथ की तरफ में जाते हैं, तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी ने घोषणा करी है कि हम इनको संवैधानिक अधिकार दिलाएंगे। संवैधानिक अधिकार कैसे, जैसे कि संविधान ने मुझे आजादी दी है कि मेरे साथ में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ये मेरा कानूनी अधिकार है, कोई ऐसा करेगा तो उसको सजा मिलेगी। इसमें विकलांगता शब्द को जोड़ना अभी तक जोड़ा नहीं गया है। कोई व्यक्ति यदि विकलांग है तो विकलांगता के आधार पर आप उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस चीज को कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को उठा रही हैं, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज का जिक्र भी किया है। तो ये किस बात की ओर संकेत करता है, साथ ही साथ हमें समझना है कि इन लोगों की आवाज आखिर उठा कौन रहा है, अभी तक विकलांग लोगों के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 15 में सेक्शन 3 आखिर क्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट डिसेबल्ड पर्सन के अधिकारों के लिए किस प्रकार से लड़ाई लड़ा है, कौन कौन से जजमेंट महत्वपूर्ण आए हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया है, इसके बारे में भी यहां पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पहले एडिटोरियल को। तो पहला एडिटोरियल डिस्कशन करने वाले हैं ताइवान में आए अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ताइवान में जो भूकंप आया था और उस भूकंप के बाद कितने लोगों की जाने गई, ताइवान ने कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई कि हम इस प्रकार की आपदा यदि फिर से आती है तो उससे निपट सकें, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पार्टिकुलरली यहाँ पर जो हमको आंसर राइटिंग करना है वो 250 शब्दों में रहेगी, और ये जो आंसर राइटिंग है 1999 के आए हुए भूकंप से रिलेटेड है। 1999 में ताइवान में अर्थक्वेक आया था, ये ताइवान के लिए एक मेजर वेकअप कॉल था। इट लीड टू क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, क्योंकि इसके बाद ताइवान ने बहुत सारे क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं ताकि इम्प्रूव कर सके इमरजेंसी रिस्पॉन्स को एंड रिड्यूस कर सके डिजास्टर्स को, इस प्रकार की घटनाएं और ना हो।
तो 250 शब्दों में जो हमें आंसर राइटिंग करना है वो 1999 में आए ताइवान के अर्थक्वेक से रिलेटेड करना है कि उस समय में ये अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, तो कितना नुकसान हुआ। एक प्रकार से ये वहाँ के लोगों को जगाने वाली बात थी। साथ ही साथ इसके बाद काफ़ी क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पर रिफॉर्म्स किए गए, वो कौन कौन से थे, ताकि इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स है वो बेहतर हो सके, साथ ही साथ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं फिर ना आए उनको रिड्यूस किया जा सके। इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए इस आर्टिकल में जो मोटी मोटी बात हम देखने वाले हैं वो क्या है। पहले नंबर की बात तो वो लाइन ही है जो लाइन इसमें लिखी गई है। सेकेंड नंबर पर जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि पिछले 20 साल में, पिछले 2 दशक में भूकंप किस प्रकार से आया है देश दुनिया में, भूकंप को कैसे करके हम समझेंगे, ये कैसे करके और क्यों आते हैं, भारत कौन कौन से प्रयास कर सकता है, एंड कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे भूकंप से निपटने के लिए ताइवान के द्वारा, इनके ऊपर आज चर्चा होने वाली है। शुरुआत हम करते हैं पिछले 2 दशक से, मतलब पिछले 20 साल से यदि हम देखेंगे ना, तो जो भूकंप की इंटेंसिटी है बहुत सारे रीजन में हमको देखने को मिला है, देश दुनिया में हर जगह देखने को मिला है। इंडोनेशिया, जापान, चीन, इटली, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इक्वाडोर, मेक्सिको, मोरक्को, तुर्की, सीरिया, ठीक है, तो जो टर्की सीरिया बॉर्डर है यहाँ तो एकदम खतरनाक आया था। 3 अप्रैल को ताइवान में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी तीव्रता थी 7.4 की। सबसे पहले तो हमें भूकंप को समझना पड़ेगा। भूकंप कुछ कुछ पार्टिकुलरली एरिया में ही हमको देखने को आता है, रीजनल बैंड बटे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र टुकड़ों में बांट चुके हैं हम पृथ्वी को, और उस हिसाब से ही हमको इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं। तो स्पाइटियल डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है, उसका क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा, जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे करके अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, लिथोस्फीयर है, वो 15 मेजर फ्रेगमेंट्स में, 15 बड़ी बड़ी प्लेटों में बटी हुई है, जो कि कंटिन्यू मूव कर रहे हैं एक दूसरे के आगे पीछे खिलाफ में। तो पूरी पृथ्वी को 15 प्लेटों में हम डिवाइड करें हैं और ये जो प्लेटें हैं वो कंटिन्यू गतिशील हैं। एंड दिस इज़ वाई पावरफुल अर्थक्वेक्स आर कंसंट्रेटेड अलोंग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़। इसलिए तो हम कहते हैं जहाँ कहीं पर भी 2 प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं, मूवमेंट कर रही हैं, उस एरिया में जो देश बसे हुए हैं, गांव शहर बसे हुए हैं, उस एरिया में अर्थक्वेक ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय एक टेक्टोनिक प्लेट का ही प्रोडक्ट है, टेक्टोनिक प्लेटों में आपस में मूवमेंट हुआ था, उसी के चलते चलते ही हिमालय पर्वत आज बना है। यहाँ पर हमको कन्वर्जेंस देखने को मिलता है इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट का, आपस में दोनों मिलती हैं, टकराती हैं, और इस रीजन में फिर भूकंप आता है। कुछ और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, जिसके चलते चलते जो सेंट्रल नेपाल है बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, लेकिन जो इंडिया है, बोला जा रहा है कि इंडिया इससे बच गया, ठीक है। स्पेयर का मतलब होता है बक्सना। 4 अप्रैल 2024 को मनाली के आसपास का जो रीजन रहा था हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर हमको अर्थक्वेक देखने को मिला था जिसकी मैग्नीट्यूड है 5.3। ठीक उसी डे 119 साल पहले एक अर्थक्वेक आया था कांगड़ा में, और ये मनाली से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पर 1000 ऑफ पीपल की जाने गई थी, ठीक है, एंड यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं ना एकदम सब बराबर हो गई थी। इसके बाद 2 बड़े बड़े भूकंपों का यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जैसे कि ताइवान क्षेत्र की हम बात करें, फिलीपींस सी प्लेट की बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है 7.60 सेंटीमीटर, 7.8 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, बोला जा रहा है विच इज़ फास्टर देन द मोशन ऑफ द इंडियन प्लेट। लेकिन ये जो मोशन है वो इंडियन प्लेट से कहीं ज़्यादा मूव कर रही है। अब इससे कहा जा रहा है कि चीन के तट से 160 किलोमीटर दूर स्थित ताइवान, इसका निर्माण हुआ था कन्वर्जेंट बाउंड्री ऑफ फिलीपीन एंड यूरेशियन प्लेट। यहाँ पर कन्वर्जेंस बाउंड्री है फिलीपींस प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट्स की।
हम पार्टिकुलरली वेस्टर्न पेसिफिक ओशियन की बात कर रहे हैं। और इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक जरूर आएंगे। अभी जो लेटेस्ट आया था, ठीक है, हुआलिन शहर के किनारे आया था, हुलियन शहर के पास में जो आया था वो इसका एक एग्जाम्पल है। अब 1999 का हम एग्जाम्पल लेते हैं, चीची अर्थक्वेक आया था जिसकी मैग्नीट्यूड थी 7.7 और ये आया था 1999 में। ये ताइवान के मध्य भाग में आया था और इसने पूरे पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित किया था। यहाँ पर 2,430 लोगों की जानें गई थी एंड बोला जा रहा है 11,305 लोग घायल हुए थे। एंड इसके चलते चलते 50,000 बिल्डिंग कोलैप्स करी थी एंड पार्शियली डैमेज एस मैनी, और थोड़े बहुत तो बहुत सारे प्रभावित हुए थे, 50,000 से भी ज़्यादा आंकड़ा चला जाता है। हुलेन भूकंप का यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर विश्लेषण करें ना, तो इसने कम से भी कम 13 लोगों की जानें ली थी एंड इसमें इंजर्ड हुए थे 1,000 लोग। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स डेथ्स वर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक ट्रिगर्ड रॉक फॉल्स एंड नॉट बाय टॉपल्ड बिल्डिंग। अभी हाल फिलहाल में जो मौतें हुई थी, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो भूकंप आया है जिसमें मात्र 13 लोगों की जानें गई हैं और 1,000 लोग घायल हुए हैं, अधिकांश जो मौतें हुई हैं भूकंप के कारण, चट्टानों का जो गिरना हुआ है उसी के कारण हुई थी, बिल्डिंगें के धड़कने गिरने के कारण कुछ भी नहीं हुआ है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है लगभग एक सा ही है, 2024 का अर्थक्वेक और 1999 का अर्थक्वेक। इसके बावजूद भी ताइवान कैसे करके अपने नागरिकों की जान को बचा पाया है, ये एक काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो रिमार्केबल चीज है वो ये है, इवन इन हुलियन सिटी लोकेटेड विथ इन द एपिसेंटर ऑफ द लेटेस्ट अर्थक्वेक, लेटेस्ट अर्थक्वेक का वो एपिसेंटर भी रहा है, वेयर शेकिंग इज एक्सपेक्टेड टू मोस्ट इंसेंट, जहां पर जो कंपन हुआ था एकदम तेज हुआ था। ओनली अबाउट 50 रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड 9 स्टोरी बिल्डिंग पार्शली कोलैप्स, मात्र 50 रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही इसमें गिरी थी। एपिसेंटर की हम बात कर रहे हैं जहां पर आया हुआ है भूकंप, उस शहर की बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से राजधानी ताइपे में केवल 10 घर ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं एंड बोला जा रहा है दीज वर रिपोर्टेड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रिंजेंट बिल्डिंग कोड फॉलोइंग द 1999 चीची अर्थक्वेक। बोला जा रहा है कि इन बिल्डिंगों का निर्माण काफी पुराना है, 1999 के भूकंप के बाद कुछ कोड चालू हुआ था वहां पर, उस बिल्डिंग कोड के हिसाब से ही बिल्डिंगों का निर्माण किया जाना चाहिए था, तो उस हिसाब से इनका निर्माण नहीं किया गया था। हो सकता है इसी के चलते चलते ये जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हुई थी, डैमेज हुई थी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ताइवान ने इसके लिए कौन कौन से चेंजेस किया है अभी तक देखा जाए। 1999 में जो भूकंप आया था ताइवान के लिए एक बड़ी चेतावनी थी, जिसके कारण इमरजेंसी रिस्पॉन्स में उसको सुधार लाना पड़ा, साथ ही साथ उसने आपदाओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए, रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि सरकार ने कुछ कुछ नियम कानून पारित किए, डिजास्टर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया एंड उन्होंने सेटअप किया था 2 नेशनल सेंटर ताकि हैंडल किया जा सके अर्थक्वेक कोऑर्डिनेशन एंड ट्रेनिंग को। तीसरे नंबर की बात यह है, चीची तूफान आया, हुलेन तूफान आया, जिसके चलते चलते ताइवान ने बिल्डिंग कोड को लागू किया। आज ताइवान की जो भूकंप संबंधी तैयारी है ना, दुनिया में सबसे एडवांस मानी जाती है। चौथे नंबर की बात यदि हम बात करें, इस आइलैंड नेशन के पास में मोस्ट एडवांस अर्थक्वेक मॉनिटरिंग नेटवर्क है एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। पांचवे नंबर में उसने जो प्रयास किए हैं, जैसे कि वाइड स्प्रीड अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं एंड बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई है अर्थक्वेक सेफ्टी के ऊपर, इसी सब के चलते चलते इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थक्वेक रिस्क में। छठवें नंबर में जो प्रयास किए गए हैं वो ये हैं कि सरकार कॉन्स्टेंटली
कंटिन्यू अपडेट करते रहती है अर्थक्वेक सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्टॉक। पुरानी बिल्डिंगों में ये नॉर्म होना चाहिए, नई बिल्डिंगों में ये चीज़ होना चाहिए, इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी करती रहती है यहाँ की सरकार कंटिन्यू। सातवें नंबर की जो प्रयास किए गए हैं, ठीक है जी, यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, उनको ऑफर किया जाता है सब्सिडी, ठीक है, उनको बोला जाता है कि आप बिल्डिंग रजिस्टेंट अर्थक्वेक रजिस्टेंट बिल्डिंग बनाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे। आठवें नंबर, इसका मतलब ये हो गया है कि ताइवान में किसी भी जगह पर यदि झटका लगने वाला है भूकंप का, तो उसका असर कितना गंभीर होगा। इसके लिए ताइवान अपने इसके लिए बेस तैयार करता है और वो ठोस सबूत तैयार करता है और वैज्ञानिक निर्णय लेता है। साथ ही साथ में अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी कितनी होना चाहिए, इसका नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये यहाँ पर इतना इतने फ्रिक्वेंसी का आ सकता है, यहाँ पर इतने फ्रिक्वेंसी का आ सकता है, वो निर्धारित कर लेता है एंड बोलता है कि भाई इतना सीवियरली यहाँ पर सैक हो सकता है, इतना ज़्यादा झटका लग सकता है पार्टिकुलर एरिया में। इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक सीज़मिक कोड निर्धारित किए हैं, ठीक है। इस प्रकार से सबसे पहले वो कोड बनाते हैं, उसके हिसाब से बिल्डिंगों की तैयारी करी जाती है। नौवें नंबर में जो प्रयास किए गए हैं वो किस प्रकार के हैं, ताइवान कुड आल्सो यूज न्यू टेक्नोलॉजी सच एज सीज़मिक डैम्पर्स एंड बेस आइसोलेशन सिस्टम। ताइवान आज के समय में सीज़मिक डैम्पर्स एंड बेस आइसोलेशन सिस्टम का निर्माण करता है और ये जो दो मुख्य बातें हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ताइवान की मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग की बात करें, ताइपेई 101, ये डैमेज नहीं हुई थी, लेटेस्ट अर्थक्वेक आया था 7.8 तीव्रता वाला लगभग, इसके बावजूद भी ये बिल्डिंग में कोई क्षति क्यों नहीं हुई है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये उन घटकों में से एक था जिसने इमारत को अपनी अखंडता बनाए रखने में मदद करी थी, वो था क्या, यहाँ पर था ट्यून्ड मास डैम्पर, जो कि एक 660 मीट्रिक टन स्टील स्फीयर है जिसमें बहुत सारी केबल्स लगी हुई हैं इस टावर के अंदर में। ये इमारत की किसी भी गति का मुकाबला करने के लिए एक विशाल पेंडुलम के रूप में काम करता है, ये जो जाइंट पेंडुलम की भांति काम करता है ताकि किसी भी प्रकार का यदि मूवमेंट होता है बिल्डिंग में तो उसको रोका जा सके। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आ जाता है कि भारत क्या कर सकता है, भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आज के समय में आप ये समझ लीजिए कि भारत अपनी इकोनॉमी, मतलब आज के समय में टॉप की इकोनॉमी में पहुंचने वाला, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में अपनी पोजीशन बना रहा है आज के समय में इंडिया। साथ ही साथ आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, सड़क, पुल, बांध, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू हम देख रहे हैं, इनका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर इनके निर्माण के समय में आपको ये ध्यान रखना है कि भूकंप रोधी चीज़ें होना चाहिए एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन में आप कम से कम निर्माण का काम करिए। ऐसा नहीं कि आप सुरंगें बना रहे हैं कहीं पर, वहाँ खुदाई कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो ये सब जो काम है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिमालय जो है अभी भी नवीन बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका निर्माण कंटिन्यू होते जा रहा है, क्योंकि प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं और इसकी हाइट कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। सेकेंड नंबर का जो प्रयास किया जा सकता है वो क्या है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको सीज़मिक सेफ्टी रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। ताइवान अर्थक्वेक प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर इंडिया, और ताइवान में जो अर्थक्वेक आया था वो भारत को महत्वपूर्ण लेसन सिखा के जाता है। क्या क्या चीज़ हमें सीखना है, सीज़मिक कोड लाना है, कंस्ट्रक्शन करना है सेफर इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर को, एंड ओवरकमिंग इनएडिकेसीज इन इन्फोर्समेंट एंड नॉन कम्प्लायंस ऑफ सीज़मिक कोड। ध्यान ये रखना है कि भाई सीज़मिक कोड का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। ये जो कोड होते हैं यूनिक रहते हैं पार्टिकुलर रीजन के लिए एंड प्रिपेयर किया जाता है इनको लोकल अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ के आधार पर, कि बिल्डिंग इस प्रकार की रहेंगे, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल ये होने वाला है क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का भूकंप आ सकता है।
इंडियन कोड IS 1893 स्पेसिफाई करता है सीज़मिक डिज़ाइन को बेस्ड ऑन सीज़मिक जोनेशन मैप सो दैट बिल्डिंग डू नॉट कोलैप्स। अब हमारे यहाँ जो नॉर्म चलता है वो 1893 का कोड IS 1893 है। यहाँ पर भी बताया जाता है कि भाई सीज़मिक जोन मैप हमने तैयार कर दिए हैं कि ये बिल्डिंग यहाँ पर इस प्रकार की बनेगी। इसके अलावा कुछ कुछ जगह में ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल पोजेजिंग अर्थक्वेक रेजिस्टिवली कैन बी रीडिस्कवर्ड एंड इनकरेज। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही न्यू स्टाइल को अपनाएं, हमारे यहाँ ऑलरेडी से ठीक है ऑलरेडी से जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर पहले बनाए गए हैं भूकंप रोधी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनको खोजना है और हम उनको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ में चलते हैं और पार्टिकुलरली ये जो आर्टिकल है चुनावी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने चुनावी घोषणा पत्र में इलेक्टोरल जो मैनिफेस्टो वो जारी करती हैं चुनाव के जस्ट पहले। जैसे अभी हाल फिलहाल में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन कुछ एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि डिसेबल्ड पर्सन को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए हैं। जैसे कि कांग्रेस एंड CPI-M दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो डिसेबिलिटी है जिसको संविधान से बाहर रखा गया है इसको हम संविधान के दायरे में लाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रयास किया जा रहा है ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे डिसेबल्ड पर्सन के अधिकार को लेकर के बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। इस आर्टिकल में मुख्यतः हम देखने वाले हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ों का उल्लेख किया गया है। लॉन्ग समय से इनकी जो डिमांड चली आ रही थी एंड अभी तक इनके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, आर्टिकल 15 और सेक्शन 3 क्या है जो कि डिसेबल्ड पर्संस लोगों के लिए बातचीत करता है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था वो जजमेंट क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से प्रयास किए हैं विकलांग लोगों के अधिकारों की लड़ाई में। साथ ही साथ में हम बात करने वाले हैं CPI-M ने और कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है ये घोषणा पत्र किस बात की ओर संकेत करता है और हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की चर्चा करेंगे कि इनकी आवाज़ आखिर उठाया किसने है, इस प्रकार की जो आवाज़ है वो किसके द्वारा उठाई गई हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ठीक है चुनावी मैनिफेस्टोस जारी किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से और इनमें कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र में बहुत कम ही ऐसा होता है जिसमें डिसेबल्ड पर्सन की बात और उनके अधिकारों की बात करी जाती है। कांग्रेस की तरफ से CPI-M पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रॉमिस किया गया है कि हम इंक्लूड करेंगे डिसेबिलिटी को एज ए स्पेसिफिक ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसी के चलते चलते जो डिसेबिलिटी राइट्स है ना डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट है वो काफ़ी तेज हो गए हैं। डिसेबिलिटी राइट्स से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं वो काफ़ी तेज़ हो गए हैं। उनका कहना है कि हम डिसेबिलिटी को एक बेस बनाएंगे, जैसे कि हम ये कहें भारत में किसी भी व्यक्ति की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसकी विकलांगता के आधार पर उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, ऐसा कानून उसमें ऐड होना चाहिए, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना है। करेंटली जो प्रोविज़न है वो क्या बोलता है, रिलीजन के हिसाब से, रेस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से किसी के भी आधार पर आप किसी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिसेबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है। कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं और क्या अभी तक डिमांड चले आ रही है, हाल फिलहाल में देखा जाए काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड उठ रही थी। सन 2019 में ठीक है ये जो डिमांड थी वो कन्फर्म हो गई थी। UN कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कि हम इंक्लूड करने इसका जो ऑब्जर्वेशन था उसको कंक्लूड किया गया
और इसमें रिव्यू किया गया था इंडिया के कॉम्प्लियांस को कि इंडिया कितना फॉलो करता है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज UNCRPD। अब तब से लेकर के आज तक देखा जाए तो किसी भी प्रकार के कदम नहीं उठाए गए हैं इस डायरेक्शन में और ये एक चिंता का विषय है। फिर देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स होती हैं, ठीक है, द डिस्कोर्स ऑन डिसेबिलिटी राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम हैज़ कंटिन्यू टू ओवरलुक द कंसर्न ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट। संसद में जो चर्चा होती है, वाद विवाद होते हैं, वहाँ पर भी जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके अधिकारों को लेकर के अनदेखी करी जाती है। जो मूवमेंट चल रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी जाती है। फिर हम देखते हैं कि UNCRPD को एडॉप्ट किया गया था सन 2004-06 में और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जाता है जिसके अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया था कि कोई भी व्यक्ति यदि डिसेबल है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर इंटाइटल्ड टू एंजॉय देयर राइट्स ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स। जिस प्रकार से अन्य लोगों को अधिकार मिले हैं, ठीक उसी प्रकार से इन डिसेबल्ड पर्संस को भी अधिकार मिलने चाहिए। ये बात कही गई थी कब, UNCRPD के द्वारा सन 2006 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद बोला जाता है कि इंडिया ने रेटिफाई किया था किसको, कन्वेंशन को सन 2007 में। यहाँ पर एक रेटिफाई वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है पुष्टि करना। तो जो कन्वेंशन हुआ था 2007 में, यहाँ पर भी अपनी सहमति जारी करी एंड हमने लागू किया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट सन 2016 में। आर्टिकल 15 में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं किया गया है इन रिस्पॉन्स टू द रेटिफिकेशन सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। एक्ट के सेक्शन 3 की तरफ में जाएं तो आर्टिकल 15 में कुछ सुधार करना चाहिए था तो वो सुधार नहीं किए गए हैं। And provided that no person with disabilities shall be discriminated against the on ground of disabilities। इसमें बोला गया, ठीक है, कि किसी भी person को आप disability के आधार पर discriminate नहीं करते हैं। And ये चीज़ provide करता है एक stronger remedy in the form of a fundamental right against discriminatory acts and omission। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है, सर्टेन ग्राउंड के ऊपर ही। हमने यहाँ पर रिलेशनशिप स्थापित करी है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है एंड जो सरकार है, ठीक है, इसमें गारंटी दी जाती है एवरी इंडिविजुअल एवरीवन को फंडामेंटल राइट की अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, कि कोई भी किसी के साथ में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला जाता है कि जो आर्टिकल 15 है, ठीक है, इसके अंतर्गत हम प्रोटेक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द सेम एज एनालोगस टू द अदर ग्राउंड मेंशन अंडर आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में अलग अलग ग्राउंड बताए गए हैं कि इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी जोड़ दिया गया है। इसको भी उन्होंने बोल दिया है कि ये भी सेम टू सेम ही है, इसलिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये जो डिसीजन लिया गया था इसने पॉसिबिलिटी पैदा कर दी है कि जुडिशियरी के पास में ये पावर है, इसी प्रकार का प्रोटेक्शन वो विकलांग लोगों के लिए भी लागू कर सकती है। किसके आधार पर, एनालोगस ग्राउंड के आधार पर, समरूपता के आधार पर। एनालोगस का मतलब होता है, हालांकि यदि आप डिसेबिलिटी को एनालोगस ग्राउंड के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, उस हिसाब से यदि उस एंगल से हम सोच रहे हैं, तो ये जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 15 के अंतर्गत हम डिसेबल्ड पर्संस को भी आर्टिकल 15 में शामिल कर सकते हैं एज ए ग्राउंड के तौर पर। लेकिन इस प्रकार से खाली आप ये बोल दें कि एनालोगस ग्राउंड के हिसाब से ही हम डिसेबल्ड पर्सन लोगों को ये अधिकार मिलने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, कानून बोल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी यदि
संविधान में इस चीज को ऐड नहीं कर रही हैं, तो कुल मिलाकर के ये बर्डन ही का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या फिर हाई कोर्ट या भी जो भी जुडिशरी है हमारी। अभी जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वो बताता है कि भाई आज के समय में पॉलिटिकल पार्टीज भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने लगी हैं, इन लोगों को मान्यता दे रही हैं। आवाज़ किन किन लोगों की तरफ से उठाए गए हैं, ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। विकलांग लोगों के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं भारत में और ये डिज़र्व करते हैं इस क्रेडिट के लिए कि ये कंटिन्यू एंड एग्रेसिव एडवोकेसी करते रहते हैं इस डिमांड के पीछे। फरवरी 2024 में नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल एंड नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क NDN ने लॉन्च किया था एक फर्स्ट ऑफ काइंड इनिशिएटिव। इन्होंने रिलीज़ किया था एक मैनिफेस्टो, ठीक है, किन लोगों के लिए, By person with disabilities, which are that political parties to prioritize and address the issue of disabled communities. इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों वो हीट वेव से रिलेटेड आई है। तो सबसे पहले हम हीट वेव के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि हीट वेव आखिर होती क्या है। हीट वेव कुल मिलाकर के गर्म मौसम की एक लंबी अवधि का होना, ठीक है, लंबे समय तक हाई टेम्परेचर रहना, आप इसको ये बोल सकते हैं, जिसके चलते चलते ह्यूमन हेल्थ, हमारे एनवायरनमेंट एंड देश की इकोनॉमी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए तो बोलते हैं हीट वेव के चलते चलते जो सियाने लोग हैं और जो बच्चे लोग हैं ना वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ प्रभावित होता है हमारा पर्यावरण, हमारी फसलें, हमारे देश की इकोनॉमी। अब चूंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है इसलिए हम कहते हैं कि भारत में हीट वेव ज़्यादा आ सकती है। हाल के वर्षों में कंटिन्यू हो रहा है एंड लगातार इसकी जो तीव्रता है ना अधिक हो गई है। भारत ने हीट वेव के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं। इसके अंतर्गत इसमें बोला जाता है कि यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो या फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाए, पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक पहुंच जाता है तो इसको हम हीट वेव की स्थिति मानते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में यदि हम देखें, अभी भिलाई जैसे सिटी का जो टेम्परेचर है ना 42 डिग्री था अभी जब एक दो दिन पहले मैं मापा था। तो इसके अतिरिक्त सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक की वृद्धि हो जाती है तो इसको गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है। यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा है तो सामान्य तापमान से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 की भी यदि वृद्धि हो जाती है तो इसको लू की कंडीशन माना जाता है। ये यहाँ पे कुछ कुछ महत्वपूर्ण डेटा हमको मिला है। इसके अलावा 6 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे भी ज़्यादा वृद्धि हो गई तो वह गंभीर हीट वेव की श्रेणी में आ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे अधिक रहता है तो हीट वेव घोषित किया जाता है। अब हाल फिलहाल में यदि हम न्यूज की बात कर लें तो देखिए अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव के चलते चलते लोग इतनी धूप में भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो अब जाकर के चुनाव आयोग ने अपने कान खड़े किए हैं, ठीक है, और कुछ दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जाहिर किए गए हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टास्क फोर्स का गठन करना पड़ गया है ताकि ट्रैक किया जा सके हीट वेव के रिस्क को, क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मी पड़ रही है करके वोट देने के लिए नहीं जा रहे हैं। हीट वेव की कंडीशन एकदम खराब चल रही है जिसके चलते चलते वोटर का टर्नआउट में गिरावट देखने को मिला था हमको फर्स्ट फेज ऑफ द लोकसभा इलेक्शन में, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है और उन्होंने बोला है कि हम इसके लिए टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं, इसमें कुछ ऑफिशियल लोग शामिल रहेंगे जो कि कमीशन से हैं, साथ ही साथ IMD के व्यक्ति रहेंगे, NDMA के व्यक्ति बैठने वाले हैं एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग बैठेंगे ताकि रिव्यू किया जा सके इम्पैक्ट ऑफ प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन ऑन हेल्थ एंड ह्यूमिडिटी 5 डेज बिफोर ईच फेस ऑफ द पोलिंग। तो 5 दिन पहले ही
कहना चाहिए, सारी चीज़ों का पता लगाया जाएगा कि कितना असर पड़ सकता है हीट वेव का, ठीक है, तो इसकी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम चर्चा करने वाले हैं वो कर्नाटक में सूखा की कंडीशन से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार से डिमांड कर रही है कि हमें कुछ आप मदद करिए, और इस बात को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वकील प्रस्तुत हुए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि कर्नाटक के ड्रॉट की चिंता को एक हफ्ते के भीतर हम हल करने के लिए कुछ करेंगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बोला है, यदि आप सूखे से निपटना चाहते हैं तो ये कर्नाटक की भी समस्या है और केंद्र सरकार की भी समस्या है, दोनों को संघीय ढांचा, हमारा जो फेडरल सिस्टम है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के शासन चला रही हैं, तो फेडरल सिस्टम को यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें जो मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं उनको सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की ज़रूरत है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी राय दी है और ऐसे हाल फिलहाल में कहना चाहिए उसकी तरफ से जजमेंट आया है। तो वहीं यदि हम सूखे की कंडीशन की बात करें तो भारत के बहुत सारे राज्य जो है पर्याप्त पानी ना गिरने के चलते चलते सूखे की कंडीशन में आ जाते हैं, इससे खेती बाड़ी प्रभावित होती है, देश की इकोनॉमी प्रभावित होती है, साथ ही साथ में प्रभावित होती है पीने की पानी की समस्या, पीने की पानी की किल्लत। इसके लिए राज्य सरकारों को साथ ही साथ जो है केंद्र सरकार को भी कुछ प्रयास करने की जगह है, जरूरत है। आईएमडी के हिसाब से देखा जाए ड्रॉट की कंडीशन हम किसको बोलेंगे, ये एक नेचुरल तरीके से जो परसिपिटेशन होती है, नेचुरल तरीके से जो प्राकृतिक वर्षा हो रही है लंबे समय तक, लंबे टाइम पीरियड तक, यदि उसमें कमी आती है तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट को हम ऑफन, मतलब सूखे की कंडीशन को हम हमेशा एसोसिएट करके देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर के साथ में, जैसे कि हाई विंड्स एंड टेम्परेचर एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दीज फैक्टर कैन एग्रीवेट द सीवियरिटी ऑफ ड्रॉट इवेंट। ये कंडीशन कुछ ऐसी हैं जो कि ड्रॉट इवेंट की जो सीवियरिटी होती है ना, तीव्रता है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि तेज़ी से हवाएं चल रही हैं एंड जो टेम्परेचर है यदि बढ़ जाता है एंड जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, वो कमी रहती है, तो आप ये समझ लीजिए सूखे की कंडीशन और भी ख़राब हो जाती है। मैनुअल फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट 2016 ड्राफ्ट सूखा के लिए मैनेजमेंट मैनुअल तैयार किया गया था 2016 का। इसके अंतर्गत ड्रॉट कब डिक्लेयर किया जाएगा, इसके लिए कुछ टू इंडिकेटिव फैक्टर निर्धारित करे गए थे, जैसे कि द एक्सटेंट ऑफ रेनफॉल डेविएशन, रेनफॉल में जो गैप आ जा रहा है उसमें ज़्यादा लंबा गैप हो जाना, जिसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं, एंड द कॉन्सिक्वेंट ड्राई स्पेल, एंड कुल मिलाकर के देखा जाए जो ड्राई स्पेल है उसमें हमको वो वाली कंडीशन से ये कंडीशन उत्पन्न हो रही है, क्योंकि दो वर्षा एक तो लंबे समय तक नहीं हो पा रही है, बारिश जिस समय में होना चाहिए उस समय में बारिश नहीं हो पा रही है। इसके अलावा आईएमडी ने डिक्लेयर किया था कि भाई हम किसी भी साल को ड्रॉट ईयर कब घोषित करेंगे, ऐसे कंडीशन में यदि कोई एरिया अफेक्टेड हुआ है मॉडरेट एंड सीवियर ड्रॉट से, आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर एंड फॉर 20 से लेकर के 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, इसके अंतर्गत 20 से 40% एरिया को भी कवर किया जाता है।